श्री राधे राधे। और आप लोगों ने सारा वीडियो मेरा पिछला देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसे लाइक भी करिएगा। और आज लेके चलते हैं आप लोगों को मथुरा। अगर मथुरा वैसे घूमने के लिए कम से कम 2 दिन तो लगी जाएगा, लेकिन अगर आप के पास समय कम है और आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो 2 यहाँ के बहुत ही प्रमुख मंदिर हैं जिनका दर्शन आप ज़रूर करिए। एक तो कृष्ण जन्मभूमि और दूसरा द्वारिकाधीश मंदिर, क्योंकि ये आपको दर्शन करने के लिए जो टाइम मिलेगा सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही मिलेगा, 6 बजे भी मंदिर खुल जाता है। और सबसे मेन बात ये है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, कि 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लगभग सारे मंदिर बंद रहते हैं, इसलिए इस टाइम में बीच में आप अगर आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो आप दोपहर के टाइम पर कंस किला चले जाइए, कंस किला भी देख लीजिए, मामा कंस का किला। और सुबह के टाइम आप दर्शन करिए श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाम के टाइम द्वारिकाधीश महाराज जी का दर्शन करिए। बाकी कैमरा अंदर नहीं जा सकता इसलिए बाहर बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं आपको, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। बाकी आप जो भी अपना सामान वगैरह लेके आ रहे हैं, लॉकर रूम बने हुए हैं, मोबाइल के लिए अलग लॉकर रूम है और बैग और बैगेज के लिए अलग। ये देखिए सामने गेट दिख रहा होगा, बहुत दिनों से इच्छा थी आने की, आज पूरी हो गई। बाकी यहीं पे मोबाइल जमा करके हम लोग फिर आगे चलते हैं। फिर ये देखिए राजा तिराश्री द्वारकाधीश जी का मंदिर, अंदर से बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। यहाँ भी वीडियो लेना अलाउ नहीं था इसलिए कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे, वही आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद फिर लेके चलते हैं आप लोगों को कंस किला, ये कंस मामा का किला है ये। ये देखिए यमुना नदी के किनारे यहाँ आइए तो घूमने के लिए 2-3 दिन भी कम है। अगर 1 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप इन 3 प्रमुख जगहों पर ज़रूर जाके घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर कोई मथुरा आ रहा है तो उसको शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रॉम मथुरा।